नमस्कार दोस्तों, यार वेलकम यू ऑल टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम मुगलकालीन साहित्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है और उन एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनके सिलेबस में मुगलकालीन साहित्य दे रखा है। तो काफ़ी अधिक स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी जो कि फर्स्ट ग्रेड के हैं, उन्होंने बोला कि सर प्लीज़ कंटिन्यू जो ये वीडियो बनाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो आज से मैं हमेशा आपके लिए ये वीडियो बनाता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमें सपोर्ट करते रहें। और आपके एग्जाम से रिलेटेड अलग से प्लेलिस्ट चैनल पर बना रखी है, मैं उसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो वहाँ पे जाके आप हमारे पुराने सभी वीडियो जरूर देखें जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हैं। एग्जाम से पहले अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो चलिए आज के क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाभारत का फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद है रजमनामा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। महाभारत के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। महाभारत लिखी थी वेदव्यास ने महाभारत लिखी थी। इसमें पहले तो 8000 श्लोकों का वर्णन था, वर्तमान में 1 लाख से भी अधिक श्लोकों का वर्णन हमें मिलता है महाभारत में। और महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो है रजमनामा। ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इससे संबंधित एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म असुमेलित है? लेखक दे रखे हैं, पुस्तक दे रखी है सुरजन राय भंडारी के सामने दे रखी है, खुलासत ए तवारिक इनायत खां के सामने दे रखी है, शाहजहानामा जहांगीर के सामने दे रखी है, तुजुक ए जहांगीरी हुमायूं के सामने दे रखी है, हुमायूंनामा। तो यहाँ पर कौन सा युग्म असुमेलित है वो आपको छाटना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हुमायूंनामा। हुमायूं ने नहीं लिखी थी, हुमायूंनामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको ये भी साथ में ध्यान रखना है कि सुरजन राय भंडारी की पुस्तक का नाम है खुलासत तवारिक, इनायत खां की पुस्तक का नाम है शाहजहानामा, जहांगीर की पुस्तक का नाम है तुजुक ए जहांगीरी। और ये जो तुजुक ए जहांगीरी है ये जहांगीर की आत्मकथा है। तो ये आप ध्यान रखें। फिर आगे देखते हैं, कौन सी पुस्तक औरंगजेब से छुपा कर लिखी गई थी? तो इस पुस्तक का नाम क्या है? इस पुस्तक का नाम है मुंतखब उल लुआब। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पुस्तक औरंगजेब से छुपा कर लिखी गई थी। आगे देखते हैं फिर, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का फ्रेंच अनुवाद किसने किया था? तो बाबरनामा का जो फ्रेंच अनुवाद किया था वो क्या था? पावेत दी करताले। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि बाबर की जो ये बाबरनामा है ये बाबर की एक आत्मकथा है जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी। और जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं लिडेन, अर्सकिन और बेवरिज, इन तीनों ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था बाबरनामा का। और जो ये पावेत दी करताले है इन्होंने फ्रेंच में अनुवाद किया था बाबरनामा का। तो ये आप ध्यान रखें। फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में कि एक भाग में बाबर तथा दूसरे भाग में हुमायूं का इतिहास है, उस पुस्तक का नाम क्या है? यहाँ पर 4 पुस्तक दे रखी है। तो ये पुस्तक है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने। और इस पुस्तक में के एक भाग में हमें बाबर के बारे में वर्णन मिलता है और दूसरे भाग में हुमायूं के बारे में वर्णन मिलता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को हम वीडियो के एंड में वापस कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले जितने भी ये मुगलकालीन साहित्य है इनको देख लेते हैं स्लाइड के माध्यम से। इस तरह से देखने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि एग्जाम में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो मैंने सारे के सारे जितने भी ये लेखक है और उनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है वो इंक्लूड किए हैं। तो क्वेश्चन हम वीडियो के एंड में वापस लगाएंगे। तो सबसे पहले है बाबर। बाबर ने लिखी थी अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में। इसका फारसी अनुवाद किया था जैतुद्दीन ख्वाजा पाइंदा खां अब्दुल रहीम खान खाना, इन तीनों ने किया था फारसी अनुवाद। ये आपको ध्यान रखना है, इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है। अंग्रेजी अनुवाद किया था लिडेन, अर्सकिन और बेवरिज ने। और फ्रेंच अनुवाद किया था पावेत दी करताले ने। तो ये आप ध्यान रखें। फिर आगे देखते हैं, आगे है हुमायूं। हुमायूं के समय में लिखी गई थी हुमायूंनामा जो कि गुलबदन बेगम ने लिखी थी। इसके एक भाग में बाबर तथा दूसरे भाग में हुमायूं का इतिहास है। फिर आगे है मिर्जा हैदर दोगलत, इनकी पुस्तक है तारिक ए रसीदी। इसके अंतर्गत जो ये पहले तो ये जो है मिर्जा हैदर दोगलत ये कश्मीर के राजा थे और ये बाबर के मौसेरे भाई थे। ये जानकारी हमें तारिक ए रसीदी से मिलती है। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो इसी तरह का बनेगा। ज़्यादा संभावना ये है कि सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन आएंगे, आपको लेखक के नाम देंगे और पुस्तकों के नाम देंगे और आपको वहाँ पर मिलान करने को बोलेंगे। अगर आपको 4 ऑप्शन में से अगर 2 ऑप्शन भी आपको आते होंगे तो आपका आंसर वो फिर सही होगा क्वेश्चन। आगे दे रखा है खोंदमीर, इनकी पुस्तक है कानूनी ए हुमायूनी। आगे है जौहर आफ्ताब बच्ची, इनकी पुस्तक है तजकिरा उल वाकियात। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे है अकबर। अकबर के समय अलाउद्दीन कजवीनी ने लिखी थी नफाइस उल मासिर,
यह अकबर के समय की पहली ऐतिहासिक पुस्तक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान में होना चाहिए, नफाइस उल मासीर किसकी पुस्तक है, तो अलाउद्दीन कजविनी की है, और यह अकबर के समय की पहली ऐतिहासिक पुस्तक थी। आगे है निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक तबकात ए अकबरी, अहमद यादगार की है तारीख ए साई, मुल्ला दाऊद की है तारीख ए अल्फी। और जो ये तारीख ए अल्फी पुस्तक है, ये इस्लाम के 1000 वर्ष पूरे होने पर यह पुस्तक लिखी गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे दे रखा है फिर अब्बास खा सरवनी, इनकी पुस्तक का नाम है तोहफा है अकबर साई, तोहफा है अकबर साई इनकी पुस्तक है अब्बास खा सरवनी की। इस पुस्तक में शेर ससुरी का भी वर्णन मिलता है। आगे है बायजीद बयात, इनकी पुस्तक का नाम है तजकिरा उल हुमायूं अकबर। यहाँ अकबर और जो ये हुमायूं है, जो ये बायजीद बयात है, ये हुमायूं और अकबर का रसोइया था, ये आप साथ में ध्यान रख सकते हैं। इनकी पुस्तक इंपॉर्टेंट है तजकिरा उल हुमायूं अकबर। आगे है अब्दुल कादिर बदायूनी, इनकी पुस्तक है मुंतखब उत तबारिक। इस पुस्तक को भारत का आम इतिहास कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है। और जो ये अब्दुल कादिर बदायूनी है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने अकबर की धार्मिक नीतियों का कट्टर विरोध किया था। ये इनकी धार्मिक जो नीतियां थी, इनके कट्टर आलोचक थे अब्दुल कादिर बदायूनी, और इनकी पुस्तक का नाम है मुंतखब उत तबारिक। आगे देखते हैं फिर, आगे है जहांगीर, जहांगीर की ये जो पुस्तक है तुजुक ए जहांगीरी, ये जहांगीर की आत्मकथा है, जो जहांगीर के अलावा मोहम्मद खां और मोहम्मद हादी इन तीनों के सहयोग से लिखी गई थी। तुजुक ए जहांगीरी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। आगे है इकबाल नमा ए जहांगीरी, ये पुस्तक लिखी थी मोहम्मद खां ने। आगे देखते हैं, आगे है शाहजहां अमीन कजविनी, इनकी पुस्तक का नाम है पादशाहनामा। जो ये पादशाहनामा है, ये अमीन कजविनी, अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद वारिस इन तीनों के सहयोग से लिखी गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे दे रखा है इनायत खां, इनकी पुस्तक का नाम है शाहजहानामा। सादिक खां की पुस्तक है तारीख ए शाहजहानी, और चार जो ये चार चमन है चंद्रभान की पुस्तक, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये एक दो जमन पूछी भी गई है, इसका आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रेड कलर से मेंशन किया है। आगे दे रखा है यहाँ पर मोहम्मद साले, इनकी पुस्तक है अमन ए सोलह, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं, आगे है औरंगजेब की जो समय लिखी गई पुस्तक है काजिम सिराजी आलमगीर नामा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पुस्तक, और इनके लेखक का नाम भी आपको पता होना चाहिए। आलमगीर नामा किसकी पुस्तक है, तो काजिम सिराजी की है, और ये जो काजिम सिराजी थे, ये औरंगजेब के सरकारी इतिहासकार थे। अकील खां, इनकी पुस्तक है वाकियात ए आलमगीर। सुरजन राय भंडारी की पुस्तक है खुलासत ए तबारिक। ईश्वरदास नागर की पुस्तक है फुतुहार ए आलमगीर। इस पुस्तक में मुगल मारवाड़ संघर्ष का वर्णन मिलता है, फुतुहार ए आलमगीर में, जो कि ईश्वरदास नगर की है। आगे दे रखा है भीमसेन सक्सेना, इनकी पुस्तक है नुस्खा ए दिलखुशा। साकी मुस्तईद खान की पुस्तक है मासीर ए आलमगीरी। काफी खान की पुस्तक है मुंतखब उल लुआब, और इससे संबंधित हमने आगे क्वेश्चन डिस्कस किया था। और ये जो पुस्तक है, ये औरंगजेब से छुप के लिखी गई थी, और इसका जो ये प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक, ये हुई थी मोहम्मद साहब रंगीला के समय, तो ये आपको ध्यान रखना है। मुंतखब उल लुआब के लेखक थे काफी खान। और एक ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है फतवा ए आलमगिरी, इनके लेखक का पता नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है फतवा ए आलमगिरी। इस पुस्तक के अंतर्गत औरंगजेब के समय के कानूनों का पता चलता है, तो ये आप ध्यान रखें। फिर आगे दे रखा है पुस्तकों का अनुवाद, अकबर ने एक अनुवाद विभाग का स्थापना की थी पुस्तकों के अनुवाद के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। अकबर ने सर्वप्रथम एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अब देखते हैं बदायूनी के नेतृत्व में रामायण, महाभारत और जो सियासन बतीसी है, इनका अनुवाद किया गया था अलग अलग भाषाओं में, तो ये आपको ध्यान रखना है। और महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो है रजमनामा, सियासन बतीसी विक्रम वेताल, इसके अंतर्गत विक्रम वेताल की कहानियां पढ़ने को मिलती है। आगे है अबुल फजल, अबुल फजल के निर्देशन में कालिया दमन और पंचतंत्र इनका अनुवाद हुआ था, तो कालिया दमन का जो फारसी अनुवाद है वो है आयंगर दानिश, और पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है अनवर ए सुहेली। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, इसलिए मैंने सभी को इंक्लूड किया है। फिर आगे देखते हैं, आगे है टोडरमल, टोडरमल के निर्देशन में भागवत पुराण का अनुवाद किया गया था हाजी इब्राहिम सर हिंदी, इनके निर्देशन में अथर्ववेद, मौलाना शेरी इनके निर्देशन में
राज तरंगिणी इसका अनुवाद किया गया था। और जो ये राज तरंगिणी है, इसके जो मुख्य लेखक हैं वो थे कल्हण, ठीक है। और इसमें कश्मीर का इतिहास पढ़ने को मिलता है। दारा सिको के निर्देशन में भगवत गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए वापस क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, लेखक और पुस्तक से संबंधित। यहाँ पर आपको सम्मिलित करने हैं, 4 लेखक दे रखे हैं, 4 पुस्तक दे रखे हैं। आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आने की काफी अधिक संभावना है, और इसी तरह के अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर जरूर लगाएं। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। यहाँ पर जो मिर्जा हैदर दोगलत है, इनकी पुस्तक है तारीख ए रसीदी। खोंज मीर की पुस्तक है कानून ए बदायूनी हिमायूनी। और जौहर आफ्ताब बच्ची की पुस्तक है तजकिरा उल वाकियात। और भीमसेन सक्सेना की पुस्तक है नुस्खा ए दिलखुशा। तो चारों के चारों सुमेलित हैं, ये आप इनको ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं, आगे दे रखा है सुमेलित कीजिए, लेखक दे रखे हैं, पुस्तक दे रखी है, और इसमें मैंने आपको ऑप्शन भी दिए हैं। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए इसका आंसर लगाते हैं। यहाँ पर जो दे रखा है अल्लाउद्दौला कजविनी, इनकी पुस्तक है नफाइस उल मासिर। काजिम सिराजी की पुस्तक है आलमगीरनामा, अभी हमने वो आगे डिस्कस की थी। ईश्वरदास नागर की पुस्तक है फुतुहार ए आलमगीर। और आकिल खां की पुस्तक है वाकियत ए आलमगीर। तो फर्स्ट का हो रहा है ए का हो रहा है सेकंड, ए का दोनों में हो रहा है सेकंड, बी का फर्स्ट, बी का दोनों में फर्स्ट हो रहा है, सी का फोर्थ। तो सी का फोर्थ इसमें है, यानी बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो फ्रेंड्स एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन अधिक आते हैं, तो आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। चलिए फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक को भारत का आम इतिहास कहा जाता है? तो किस पुस्तक को कहा जाता है, इस पुस्तक का नाम क्या है? इस पुस्तक का नाम है मुंतखब उत तबारिक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मुगल कालीन साहित्य से संबंधित, और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने इंक्लूड किए हैं, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो मुझे आशा है कि 75 से लगाकर 90% आपको हमारे इन फैक्ट में से आपको आपके क्वेश्चन में जरूर मिलेंगे। और बाकी तो जो सोर्स होता है वो कहीं से भी आ सकता है। इसका रीडिंग आप एक बार जो PDF में प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम में, वहां पे इसको डाउनलोड करके आप इसका एक बार रिवीजन कर लेना, आपको ये याद हो जाएंगी और एग्जाम से पहले अधिक से अधिक क्वेश्चन मिलाएं। इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।